इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 608 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी 65 मीट्रिक टन की यह प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा लोकार्पण समारोह के न्योते की भाषा पर नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि वह कोई उनकी बंधुआ मजदूर नहीं है। गौरतलब है कि समारोह को लेकर ममता बनर्जी को भेजे गए अवर सचिव के पत्र में कहा गया था कि प्रधानमंत्री आज प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप वहां मौजूद रहें। इस भाषा पर आपत्ति प्रकट करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, क्या मैं उनकी बंधुआ मजदूर हूँ? भारत और चीन की सेनाएं गुरुवार से लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। भारत चीन ने संयुक्त बयान जारी कर यह जानकारी दी। दोनों देश तनाव कम करने के लिए बातचीत में 8 सितंबर 2022 से सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमत हुए थे। इसी के तहत दोनों सेनाओं ने योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब के पास स्थित कहियावाला बाजार में कुछ निहंगों ने तेज धार हथियारों से एक युवक को काट डाला। जख्मी हुए चाटी विंड गाँव के 22 वर्षीय युवक हरमनजीत सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वारदात की वजह नशा करने से रोकना बताया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी हमलावरों की तलाश की जा रही है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हालत नाजुक है। 96 साल की महारानी को डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरविजन में रखा है। महारानी के हेल्थ को लेकर बर्किंगहम पैलेस की ओर से बयान जारी किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने भी इस खबर पर चिंता जताई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश के कुछ हिस्सों में पानी की समस्या का समाधान कर सकता है। बेंगलुरु में भारत माला सीरीज के तहत मंथन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि केंद्र अमृत सरोवर योजना लेकर आया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पानी की समस्या को दूर करने में बहुत अच्छा काम कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत का से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। ट्रंप ने कहा, भारत और पीएम मोदी के साथ मेरे खास रिश्ते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो कमाल के व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल में अमेरिका भारत के रिलेशन सबसे ज़्यादा मजबूत हुए। फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी KRK की जान खतरे में है। उनके बेटे फैसल ने अपने पिता के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह बात कही है। बता दें कि 9 दिनों तक जेल में रहने के बाद आज ही KRK को जमानत मिली है। दिल्ली जल्द ही झीलों का शहर बनेगा जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली केजरीवाल सरकार राजधानी की 50 झीलों का कायाकल्प करा रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना में स्थित सनोथ झील में हो रहे जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण के काम का जायजा लिया। सनोथ झील को नया स्वरूप देकर दिल्ली के सबसे सुंदर पिकनिक स्पॉट्स में परिवर्तित किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को रूस से खतरे वाले यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों के लिए $2 बिलियन से अधिक की नई सैन्य सहायता की घोषणा की। ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन यूक्रेन और उसके 18 पड़ोसियों को दीर्घकालिक विदेशी सैन्य मदद के तहत $2 बिलियन देगा, जिसमें नाटो के सदस्य और क्षेत्रीय सुरक्षा भागीदार शामिल हैं।